हेलो नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है दशराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारा जो IRCTC की एजेंट आईडी है उसमें मोबाइल नंबर अपन कैसे चेंज करवाएंगे। हो सकता है हमने जो रजिस्ट्रेशन जब किया हो उसमें नंबर गलत लग गए हो, या फिर बाद में मोबाइल नंबर अपडेट किया हो तो गलत लग गया हो, तो हमारे को दोबारा से अगर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है तो वो हम कैसे करवाएंगे। जैसे कि ये हम मैंने आईडी सर्च कर ली है और यहाँ पीछे वाले मोबाइल नंबर इसमें यहाँ शो करते हैं कि हमारे कौन से नंबर हैं और इसको अपन कैसे चेंज करवाएंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। और फ्रेंड, आप हमारे इस जसोल कंप्यूटर चैनल पर नए हैं तो हमारा जसोल कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 3 वीडियो IRCTC के बारे में पहले बना चुका हूँ, जैसे कि IRCTC आईडी को एक्टिवेट करना और एजेंट आईडी को सर्च करना और IRCTC आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना। तो फ्रेंड, आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पोर्टल को लॉगिन किया है तो पोर्टल को लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे OTP जाएगा। तो फ्रेंड, एक चीज का आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो OTP जाएगा वो आधार बेस पे जाएगा, यानी जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी पे ही OTP जाएगा। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास OTP नहीं आएगा। एक चीज़ का आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे मैं ये आईडी अभी लॉगिन कर लेता हूँ, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। अब मैं नीचे यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, काफ़ी वीडियो इस पोर्टल के लिए भी बने हैं कि इसको लॉगिन करने के बाद में माई प्रोफाइल में जाके आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, लेकिन देखिए फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ कि प्रोफाइल में सिर्फ चेंज पासवर्ड और फॉरगेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड और IRCTC वॉलेट एक्टिव का ऑप्शन दिया गया है और इसमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मोबाइल नंबर चेंज का नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कि अब आखिर हमारे को मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो वो हम कैसे करवा पाएंगे। तो फ्रेंड देखिए कि यहाँ पे हमारे को डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है और डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट ए न्यू टिकट पे क्लिक करना है और आपको टिकट बनाना है IRCTC का। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे टिकट बना रखा है, मैंने लिखा है, सर मेरी IRCTC आईडी में मोबाइल नंबर रॉन्ग है, आपसे निवेदन है कि आप मेरा मोबाइल नंबर सही करने का कष्ट करावें, और मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए और नीचे मैंने IRCTC आईडी डाल दिए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे इनका रिप्ले सेकेंड डे आ जाता है, वर्किंग डे में आता है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे CSE की तरफ से वापस रिप्लाई है, डियर सर मोबाइल नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली रिगार्ड टीम CSE SPV। तो देखिए फ्रेंड, मैंने CSE टीम से हमारा मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया गया है और यहाँ पे अपन चेक करेंगे तो यहाँ पे अब हमारे को सेम डे यहाँ पे नंबर शो नहीं होगा, सेकेंड डे आपका सही मोबाइल नंबर है वो शो हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम डिजिटल सेवा पोर्टल में आने के बाद में टिकट कैसे बनाना है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू टिकट पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे टिकट कैटेगरी चूज करना है, टिकट कैटेगरी में आपको यहाँ पे ट्रेवल चूज करना है। ट्रेवल चूज करने के बाद में देखिए फ्रेंड, हमारे को यह प्रोडक्ट चूज करना है कि यहाँ पे हमारे को किस संबंधित टिकट बनाना है, तो यहाँ पे हमारे को IRCTC रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे वो सब्जेक्ट जो है हमारा वो लिख देना है कि डियर सर हमारा मोबाइल नंबर जो पहले है वो रॉन्ग है, अब हमारा मोबाइल नंबर है वो सही अपडेट करने का कष्ट करें और मोबाइल नंबर आप यहाँ लिख दें और यहाँ पे अपनी IRCTC आईडी डाल दें। और IRCTC आईडी आपको पास अभी तक नहीं आई है, बनी है या नहीं बनी है, तो उसको आप चेक करने के लिए हमने आपके लिए वीडियो बना दिए हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और हमारे चैनल पे भी जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।